बच्चों, अब हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। देखो, अब तक हमने स्टार्टिंग से अगर हम सिक्स क्लास की बात करें, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इतने सारी चीज़ें हमने नंबर्स लाइंस के ऊपर देख लिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब बात आती है किसी डेसिमल नंबर की, तब क्या करें? जैसे कि नंबर हो 0.8 या 2.1 या 3.68, ऐसे में इन डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले चीज़ जो हमें देखनी है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो सबसे पहली चीज़ हमें इसके अंदर क्या देखनी है, हमें 0.8 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, डेसिमल से पहले इधर हमारे पास क्या है, 0, एंड इधर क्या है, 8। तो ये नंबर क्या बताता है कि ये जो डेसिमल वाला नंबर है ये 0 से तो बड़ा है, यानी कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन है 0, ओके, एंड लेस देन है 1। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, आगे तो कुछ नहीं था ना हमारे पास, तो लेस देन है 1, ओके। इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ, ये अब कहीं ना कहीं 0 से आगे एंड 1 से पहले कहीं ना कहीं बीच में कहीं पड़ेगा 0.8, ओके। बट अब नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करें उसको देखो। नंबर तो पता चल गया कि डालना किसके बीच में है, बट ये नंबर डालेंगे कैसे? अब इसके अंदर दूसरा जो हमें देखना होता है स्टेप, वो ये होता है पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस पे हमारे पास नंबर है। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे है सिर्फ, यानी ये क्या प्लेस था हमारा, 10th प्लेस था, जो हमने अभी नंबर चार्ट पे, चार्ट प्लेस वाले चार्ट पे किया था, 1/10 वाला था ना ये हमारा, जो आगे स्टार्ट होता है 10th प्लेस कहते हैं जिसे हम। तो ये क्या हो गया, 10th प्लेस पे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखो, पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि देखो, 0 यहाँ पे है, इधर नेगेटिव नंबर होंगे, हम उससे मतलब नहीं है, ये है 0, ओके, एंड 1 मान लो ये है, ओके। अब हमें क्या करना है, 1 थोड़ा सा आगे ले लेते, चलो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, हमें ये चीज़ पहली क्या पता चली कि ये नंबर जो है डेसिमल नंबर 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, यानी यहाँ कहीं पे है। बट ये यहाँ कहाँ पे, इसको मैं क्या यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, ये तो मुझे नहीं पता। तो उसका तरीका क्या है कि हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस पे नंबर है, सिर्फ 1 प्लेस पे, यानी कि वो प्लेस कौन सा था, 10th प्लेस था, जब हमने अभी वैल्यू चार्ट पे किया था। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 0 से लेके 1 पे, 10th प्लेस पे है, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, 8 मतलब यहाँ पे कितना प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, ओके। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, 10th प्लेस। 10th प्लेस का मतलब क्या हो गया कि अब हमें इस नंबर को, यानी 0 से 1 को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ओके। तो इसको पहले 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो, अब ये हो गया हमारे पास कैसे, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको नाम देंगे, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.1, ओके। देन अब हम इंक्रीज करेंगे पॉइंट के हिसाब से, अगला क्या हो जाएगा 0.2, देन 0.3, देन 0.4, देन 0.5, 0.6, देन 0.7, 0.8, देन ये क्या होगा 0.9, ओके, ये वाला, एंड ये क्या हो जाएगा 1 या 1.0, ओके। अब देखो, हमें क्या डालना है, 0.8। अब हमें पता चल गया कहाँ पे है 0.8, ये है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा पॉइंट करने का निशाना, या ये ऐसे मार्क कर लीजिए, क्लियर हो गया ये। तो किस तरीके से हमें निकालना है इसको, सबसे पहले डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है वो देख लीजिए, एंड वो नंबर कैसे लाई करेगा कि जो डेसिमल से पहले है वो नंबर उससे बड़ा ही होगा, क्लियर। जैसे अब दूसरा एग्जांपल है, इससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये है 2.1। अब हमें क्या पता चला इस 2.1 से कि हाँ भाई, ये नंबर जो है 2 से तो बड़ा है, क्या ये नंबर 2 से तो बड़ा है, बट छोटा किससे है, 3 से, ओके ना, तो सॉरी 3 से छोटा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लगा लेंगे, मान लो कि ये मान लो कहीं पे 2 है, ठीक है, 0 एंड 1 इस तरफ है, हमें कोई मतलब नहीं, अभी ये 2 है
एंड ये मान लो 3 है, तो ये नंबर कहाँ पे पड़ेगा, बीच में जो 2.1 है इनके बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगा। एंड कैसे पता लगा कहाँ बीच में, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेस पे नंबर है, तो वन प्लेस पे, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस को हम क्या, मतलब क्या हुआ कि इसको हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। ओके, अब इसको नाम दे दें हम जल्दी से, इनको नाम देंगे हम। देखो ये वाला क्या हुआ, ये 2 है, तो 2 के अंदर पॉइंट आगे कितना है, 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1। अब ये वाला क्या होगा, 2. एक और बढ़ा देंगे पॉइंट में, तो 2, देन 2.3, अगेन 2.4, देन 2.5, 2.6, ये वाला 2.7, ये वाला 2.8 एंड ये वाला 2.9। और इसको क्या कह सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, मगर मैं समझा रहा हूँ फिर भी। ये हो गया 3। ओके, अब हमने पॉइंट्स डाल लिए सारे, अब हमें कौन सा मार्क करना है, 2.1। ओके, 2.1 करना है, तो वो कहाँ पे पड़ रहा है हमारा, यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, ये है हमारा नंबर लाइन के ऊपर 2.1। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 3.68, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए कैसे देखेंगे 3.68। सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉइंट से पहले क्या नंबर है, 3। ओके, चलो इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, पॉइंट से पहले है 223। क्लियर, अब ये नंबर किससे बड़ा है, 23 है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 223 से तो बड़ा है, हमें इतना पता चला 223 से तो क्या है, ये नंबर बड़ा है। एंड छोटा किससे होगा, 223 के बाद 224 आता है, उससे छोटा होगा, तो 224 से छोटा है एंड 223 से बड़ा है, यानी ये नंबर कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। कोई बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये है 223। ओके, एंड ये है हमारा मान लो 224। ओके, अब हमें पता है क्या किसके बीच में है, अब कैसे निकालेंगे बीच में कहाँ पे लगाना है, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 एंड 2। 2 डिजिट को हम क्या कहते हैं, हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स बोलते हैं ना, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट याद है तो अब हम इससे पता क्या चला, अगर ये 2 डिजिट है उसे हंड्रेड्स बोलते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये 1/100 की फॉर्म में है। ओके, तो अब इसके बीच, जैसे हमने इसके बीच में टेंस देखा था, 10 में डिवाइड किया, ऐसे इसको हम 100 में डिवाइड करेंगे। क्लियर हुई चीज़, और नाम कैसे देंगे, जैसे मैं 2 या 3 करके दिखा देता हूँ छोटे छोटे, जैसे कि मान लो कि ये 1 है, ये 2, 3, 4, 4 ऐसे करते हम कहाँ तक जाएंगे, 224 तक, तो उसको नाम क्या देंगे, ये नाम होगा इसका 223.01। ओके, क्योंकि हमें 100 तक लाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12 भी तो आएगा ना, तो इसलिए हम इसको 0.1 नहीं लिखेंगे, 0.01 लिखेंगे। क्लियर, देन ऐसे मान लो कि ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 223.02। ओके, ऐसे जैसे मैं आगे ऐसे ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ, मान लो बीच में नंबर आ गए, तो इसको मान लेते कि ये मान लेते क्या है हमारा, 223.68। ओके, तो समझ में आई कि कैसे बढ़ाना है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ और कहाँ तक पहुँच जाओ, आखिरी तक बिल्कुल। तो हमारे पास जब 6, 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमें मिल चुका है, वो है ये पॉइंट। क्लियर होगी ना चीज़ की, अब ये ध्यान रखना कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कैसे हमें पहले देखना कि लाइस किसके बीच में करेगा, देन ये देखेंगे कि भाई अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो बताएगा कि पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है तो मतलब 10 पार्ट में करना है, 2 डिजिट है तो उसको हमें कितने में करना पड़ेगा, 100 में, अगर 3 डिजिट है 1000 में। क्लियर है, चलो अब ये हो गया रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब हम ये देखेंगे कि भाई इसके बाद कि अगर हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर गिवन है तो फ्रैक्शंस में कैसे करें, या कोई फ्रैक्शन में है तो उसे डेसिमल में कैसे करें, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी कि फ्रैक्शन हमारे पास थे बट हम उसको अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे, जब हमें कोई ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी थी, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही कैलकुलेशन करनी थी, तब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो एग्जैक्टली करते कैसे उसे समझेंगे,
ये हो गया आपका टॉपिक रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। जल्दी इसे कर लीजिए, फिर जल्दी से करते हैं टॉपिक अब डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। ओके,